शिवपुरी शहर में मंगलवार को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और समस्त प्राइवेट स्कूलों के बच्चों द्वारा विशाल नशा मुक्ति अभियान जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें रैली को शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली प्राइवेट बस स्टैंड से प्रारंभ होकर माधव चौक कोर्ट रोड से होते हुए गांधी पार्क पर रैली का समापन हुआ। समापन में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह द्वारा सभी बच्चों को संबोधित किया गया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। स्कूली बच्चों द्वारा नशा मुक्ति के लिए खिलाफ रैली निकाली गई, क्या बड़ा स्वागत योग्य कदम है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा हजारों की संख्या में बच्चों को नशे के विरुद्ध अभियान में एक रैली निकाली गई, जो बीच में चर्चा हुई थी कई लोगों से। स्कूल वालों ने चिंता भी कहना था कि हमें भी लगता है कि समाज को जागरूक करना और परिवार के लोगों को भी जागरूक करना, ताकि बच्चे अगर जागरूक होंगे तो निश्चित तौर पर वो ठोकेंगे। एक तो दूसरा खतरा जो रहता है कि बच्चे भी कई बार इसका शिकार हो जाते हैं, उनमें भी जागरूकता है, उसके लिए बहुत अच्छा और दूसरी कदम है जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा किया गया है। इसके बाद इनका रैली खत्म होने के बाद में इनका एक कार्यक्रम भी रहेगा, जिसमें इसी बात पर चर्चा भी होगी और बातचीत भी करेंगे। मैं चाहता हूँ कि शिवपुरी में नशा जो मुक्त करना है, उसमें जनता के लोग ज़्यादा से ज़्यादा बात इतना है, इसलिए खिलाने की डरने की बात नहीं है, ये प्लेस का आश्वासन है आपको, और इसको ज़्यादा जितनी सूचना मिलेंगी हम लोग कार्रवाई कर पाएंगे। तो ये मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।